कर रहा हूँ, अब मैथ्स पे ही बात करेंगे और किसी चीज पे बात नहीं करेंगे। ओके ना गाइस, क्वेश्चन नंबर वन। ओके क्वेश्चन नंबर वन इज, आई एम डिक्टेटिंग इट सो दैट जो वो परेशानी सबको आती थी क्वेश्चन का कि क्या है क्या नहीं है। सो लेट्स, अ मेटालिक स्फीयर ऑफ रेडियस 2.1 सेंटीमीटर इज मेल्टेड एंड रिकास्ट इनटू द शेप ऑफ अ सिलेंडर ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। अच्छा यस बेटा, ठीक है, फाइंड द हाइट ऑफ द सिलेंडर। ओके सो ये क्वेश्चन है। ओके गाइस ना, सो आइटैलिक स्फीयर, मेटालिक स्फीयर को इन्होंने आइटैलिक स्फीयर कर दिया। वेरी गुड, ओके सो गाइस, ओके क्वेश्चन क्लियर एवरीवन। ओके ना, नाउ लेट्स लुक एट द क्वेश्चन। ओके आई वांट रैप्ट अटेंशन फ्रॉम एवरीवन सो दैट वी कैन फिनिश दिस चैप्टर टुडे एंड फ्रॉम द नेक्स्ट क्लास वी कैन स्टार्ट ऑफ विद अ न्यू चैप्टर। वी हैव अ स्फीयर, यस बेटा, 13.4 नहीं आ रही है थर्टीन पॉइंट फोर नहीं आ रही है बेटा, सर, नेक्स्ट आपका फीस कंस्ट्रक्शन स्टार्ट करवा दूंगा। करवा दूंगा, ठीक है। एंड दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ सिलेंडर, दिस इज कन्वर्टेड इनटू अ सिलेंडर, ठीक है। इसको किस चीज में कन्वर्ट कर दिया गया गाइस? यस बेटा, हाँ क्या अच्छी बेटा, रिकॉर्डिंग शुरू हो गया। मीट का रिकॉर्डिंग नहीं दिखेगा क्योंकि मीट ने पैसे बढ़ा दिए रिकॉर्डिंग करने के लिए, ठीक है। तो इसका मतलब, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर विल बी इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, ठीक है। ओके अब बेटा मुझे ये बताओ, समबडी टेल मी हु इज देयर एट द फर्स्ट। अदिति, अदिति, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर 4/3 πr³। ओके वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर जानवी, बर्थडे गर्ल, हैप्पी बर्थडे टू यू, πr² h, ठीक है। ओके नाउ, लेट्स गो टू प्रीतिका। प्रीतिका, व्हाट इज द रेडियस गिवन ऑफ द स्फीयर? क्या चाहिए बेटा, इंक कलर चेंज नहीं दिख रहा? बहुत, रुको रुको, दिखेगा दिखेगा बेटा, मैं थोड़ा सा इसको मोटा कर देता हूँ। हाँ वही मोटा कर रहा हूँ, आई एम मेकिंग इट मोटा। ओके ना, मोटा भाई इज हियर। ओके सो ना मुझे ये बताया जाए, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर? ओपन टू एवरीवन। प्रीतिका, यस, ओके प्रीतिका, व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सिलेंडर? ओके 6 सेंटीमीटर। ओके देन वी गो अहेड टू साहिल, व्हाट इज द हाइट ऑफ द सिलेंडर? वही तो निकालना है। ओके नाउ गाइस, पुट द वैल्यूज, क्या कैंसिल हो जाएगा, व्हाट इज गुड? अब सो शुरू शुरू कंपटीशन शुरू। जीरो पॉइंट थ्री फोर, 2.1, 2.1 इंटू 2.1 डिवाइडेड बाय 3, 6 इंटू 6 इंटू 6, ओके 3 2s, हाँ आर स्क्वायर है, आर स्क्वायर है, थैंक यू थैंक यू। ओके सो 3 2s 6, 3 7s 21, 3 2s 6, 3 7s 21, 2 2s 4 कैंसल्स आउट, ओके 7s, एंड एक और 3 है, 3 4 3, 0.343, 7 का क्यूब क्या होता है, 0.343। ऐ शाबाश, आंसर आया नहीं आया? आंसर आया तो जल्दी से हाई फाइव भेजो। सेंटीमीटर सेंटीमीटर, बहुत दिन हो गए टाइपिंग स्पीड नहीं चेक किया सबका, हाई फाइव। हाँ क्या बेटा क्या हुआ,
बेटा उसको सॉल्व करो, क्यों फ्रैक्शन में आ रहा है, क्या किया आपने, क्या आ रहा है बताना साहिल, क्या आ रहा है पहले एक एक करके, साहिल बताओ क्या आया। कैसे भाई, मैं नहीं कर रहा इतना बड़ा कैलकुलेशन, मुझसे ना हो पाएगा भाई, जल्दी से क्या बोला, मैं कैलकुलेटर यूज कर रहा, आई एम सॉरी आई एम यूजिंग अ कैलकुलेटर टू फाइंड आउट हिज आंसर। हाँ बोलो बेटा क्या बोला, 1 2 3 4 कितना साहिल, 8 डिवाइडेड बाय 792000, बेटा बिल्कुल गलत आंसर है, 0.01559 आ रहा है जो कि आंसर से मैच नहीं कर रहा है। हाँ जी बेटा, टू पॉइंट सेवन फोर नहीं हो सकता, आप लोग काटते क्यों नहीं हो, वाई आर यू मल्टीप्लाइंग एंड देन सॉल्विंग इट, जब आपके लिए वही आएगा, वही आंसर है, जिस जिसका आंसर 0.343 आया है प्लीज टाइप अ यस, आई वांट टू सी कितने लोगों का 0.343 आया, यस दो लोगों का हो गया, 3 4 5 6 ओके, मेनी पीपल हैव गॉट इट, गाइज प्लीज चेक योर कैलकुलेशंस, प्लीज डू चेक योर कैलकुलेशंस, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, सो वी आर एट क्वेश्चन नंबर 2 गो टू द लू डू द पू, ओके बेटा आप, मैं वैल्यूज चेंज कर रहा हूँ, वैल्यू चेंज है, 4.2 इज 2.1, ओके ना, ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, मेटालिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर्स 8 सेंटीमीटर्स एंड 10 सेंटीमीटर्स रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सिंगल सॉलिड स्फीयर फुल स्टॉप, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, ओके दे स्टॉप, बंद कैसे हो गया, ओके रिस्पेक्टिवली आर मेल्टेड टू फॉर्म अ सॉलिड स्फीयर फुल स्टॉप, फाइंड द रेडियस ऑफ द रिजल्टिंग स्फीयर, ओके सो दिस इज द क्वेश्चन, I will just change. Okay. Ha. I'll just edit it for y'all. So here, okay. So this goes. Or kuch edit karna hai is question mein? Okay bhi karna hai. Okay, respectively. Yeah. Okay. And hey, next question. So change karna ho beta abhi. Okay. क्या बेटा, यस सर, पता है बेटा क्या होता है, अगर मैं सेम वैल्यू रखूँ ना तो कुछ लोग ना चीटिंग करके आंसर लिख देते हैं बैक से, दैट इज व्हाई आई चेंज इट, ओके आई एम नॉट चेंजिंग फॉर दिस क्वेश्चन बट फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन आई विल बी चेंजिंग इट, एंड साहिल अ रिक्वेस्ट यार, मैं आप लोगों से भी बात करता हूँ ना तो आप करके बात करता हूँ, अ लिटिल बिट ऑफ पोलाइटनेस गोज अ लॉन्ग वे, करो, आई डिड नॉट लाइक दैट टोन एट ऑल बेटा, ठीक है, सो प्लीज़ यू नीड टू टेक अ लिटिल बिट ऑफ केयर, अब मैं जितना भी शायद फ्रस्ट्रेट होता हूँ, मैं वैसे टोन पे शायद आज तक मैंने क्लास में किसी से बात नहीं किया है, ठीक है, सो प्लीज़ ना, सो this is one sphere, okay, this is the next sphere, this is the third sphere, in tino sphere ko mila ke, in tino sphere ko mila ke, a fourth sphere has been made, a fourth sphere has been made like this, okay, iska radius diya hai, okay, the radius of this is given as 6 centimeters, the radius of this is given as 8 centimeters, and the radius of the next one is given to us as 10 centimeters, we have to find the radius of this sphere, okay, now guys, what is, kahan pe khatam hua tha, Jignesh beta, what is the volume of a sphere, okay, 4/3 pi r³, so pi r1 ka cube plus 4/3 pi r2 ka cube
प्लस 4/3 पाई आर 3 का क्यूब, ठीक है, इज इक्वल्स टू 4/3, इधर पे भी स्फीयर है, पाई आर का क्यूब. ओके, नाउ गाइस टेल मी समथिंग, वेयर इज उत्कर्ष? उत्कर्ष बेटा, व्हाट इज गोइंग टू कैंसिल आउट? ऐ शाबाश, सो वी आर लेफ्ट विथ आर वन का क्यूब, आर टू का क्यूब, आर थ्री का क्यूब इज इक्वल्स टू आर का क्यूब. सो आई वॉन्ट यूर, यस बेटा, बेटा फिर वही वाला चीज होगा, आपका कैलकुलेशन बहुत ही ज्यादा लंबा हो जाएगा. क्यूब कैसे कैंसिल करोगे? ओके, मैं साहिल आपसे एक ही क्वेश्चन फिर से पूछूंगा. मुझे आप बताओ, ए प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है? व्हाट इज द आइडेंटिटी? बेटा ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब. आप बताओ a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब क्या होता है? इसका होता है a प्लस बी प्लस सी मल्टीप्लाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए बी माइनस बी सी माइनस सी ए माइनस बाहर में 3abc, इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यही है गाइज जो आप लोगों ने नाइन्थ में किया था? नहीं, नाइन्थ में आप लोगों ने ये चीज किया था, इसके बदले में था ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब, ये था, ठीक है, और ये प्लस, ठीक है. तो बेटा अब आप कह रहे हो कि मैं इसको इसके अकॉर्डिंग लिखूं, a प्लस बी प्लस सी का होल क्यूब, क्या ये सही है या गलत है? ठीक है ना, तो यू कैन नॉट यूज दैट आइडेंटिटी टू सॉल्व इट आउट हियर, यू कैन नॉट यूज इट. ओके, सो गाइस इफ यू हैव फाउंड आउट द आंसर प्लीज स्टार्ट टाइपिंग इट. 10 टाइप कर दिया, 12, 8 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस 10 का क्यूब, यही था. ओके, सो पीपल हु हैव फिनिश्ड इट, 8 का क्यूब 512, 6 का क्यूब 10 का 6, तो 10 का क्यूब तो इजी है, मुझे भी आता है, वो तो आता है, मुझे भी आता है. अब ऐड करोगे कितना होगा? 1728. ओके ओके, विच इज क्यूब ऑफ 2 2s are 4, 4 2s are 8, हाँ राइट. सो 12 क्यूब इज इक्वल्स टू आर क्यूब, सो आर इज इक्वल्स टू 12 सेंटीमीटर नया, ठीक है. सो सी, ओके आर्यमान बेटा, अगर आप पूरा का पूरा सॉल्व करते ना बेटा, तो 4/3 पाई 512 से मल्टीप्लाई होता, फिर 4/3 पाई 216 से मल्टीप्लाई होता, फिर 4/3 पाई 1000 से मल्टीप्लाई होता, चलो ये तो इजी था, उसके बाद से वापस काटना ही तो है, तो हम क्या करते हैं बेटा, हम पहले ही काट देते हैं इसे, सो दैट हमारा कैलकुलेशन क्या हो जाए, इजी इजी पीजी हो जाए कैलकुलेशन, ठीक है. ओके सन, A 20-meter deep well with diameter 7 meters is dug and the earth from digging is evenly spread out to form a platform 22 meters by 14 meters. Full stop. Find the height of the platform. भाई ये तो मजे आ गए. हाँ मैंने डॉग नहीं लिखा है, मैंने नहीं लिखा, सॉरी मैंने नहीं लिखा.
ओके नाउ गाइस, पहले टू डायमेंशन में समझना, ठीक है? टू डायमेंशन में समझते हैं दिस. अब बेटा कोई भी कुछ भी मत लिखना, ओके? प्लीज डोंट राइट एनीथिंग, लेट्स अंडरस्टैंड इट. दिस इज माय लैंड का इंटीरियर पार्ट, ओके? दिस इज माय लैंड का इंटीरियर पार्ट, ओके? तो मतलब जो जमीन का नीचे है, ये लाइन जमीन के ऊपर है, और अब हम जमीन के नीचे, वी आर गोइंग टू डिग इनसाइड द जमीन और आउटसाइड द जमीन? ठीक है, लेट्स से वी आर टेकिंग आउट मड फ्रॉम हियर, वी आर टेकिंग आउट मड फ्रॉम हियर, ठीक है? हाँ जी बेटा. हाँ, वेरी गुड, यानी कि आपको पता होगा, ठीक है? अब ये जो मिट्टी निकाला, मिट्टी से हमने यहाँ पे बाहर पे एक प्लेटफॉर्म बना दिया. बाहर पे क्या बना दिया, ठीक है? अब इसको अगर आप वेल बनाते हो, द वेल विल बी इन विच शेप, व्हाट विल बी द शेप ऑफ द वेल? सिलेंडर. एंड द प्लेटफॉर्म जो चबूतरा बना है वो किस शेप में होगा? क्यूबॉइड. ओके, सो प्लेटफॉर्म विल बी इन द शेप ऑफ अ क्यूबॉइड. नाउ लेट्स गो टू मिस्टर शुभम. शुभम बेटा, क्यूबॉइड का लेंथ, ब्रेथ और हाइट क्या गिवन है? ओके, और वेरी गुड, ठीक है? उसके बाद से आते हैं मिस ग्रोवर पे. मिस ग्रोवर, सिलेंडर का रेडियस कितना गिवन है और हाइट कितना गिवन है? मिस ग्रोवर, मीनल, ओके मीनल गो अहेड, रेडियस ऑफ द सिलेंडर. ये रहा डायमीटर बेटा 7 है. अगर डायमीटर 7 है तो रेडियस कितना हो जाएगा? एग्जैक्टली, 7/2 दैट वुड बी 3.5 मीटर. एंड व्हाट इज द हाइट गिवन नॉयनिका? परफेक्ट. ओके, नाउ लेट्स गो टू मिस्टर लक्ष्य. लक्ष्य वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, प्रियांशी वॉल्यूम ऑफ दैट. यस बेटा, हाँ, ये जो प्लेटफॉर्म बना दिया इस वेल के पास ना, एक चबूतरा बना दिया उस मिट्टी से, तो वो वाला प्लेटफॉर्म है. और ये जो वेल है, ये वेल बेटा क्या हो जाएगा, बेसिकली सिलेंडर के शेप में हो जाएगा ऐसे, ठीक है? यस 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 बेटा, गो अहेड. ओके लक्ष्य, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? शाबाश. ओके लेट्स स्टार्ट कंपटीशन शुरू. ओके डन, टाइप कर दे, जल्दी से टाइप कर दे. हाँ बेटा, अगर क्या बेटा, नहीं क्या लिखा आपने उसके बदले में बेटा? गलत हो जाएगा बेटा, एरिया नहीं है ना. ओके, सो एच इज इक्वल्स टू 7 and 7 भी कट गया, ये 2 और 5 कट गया, 5/2 इफ आई एम नॉट रॉन्ग. यस, देखा कितना इजी होता है, एक ही लाइन में सब कुछ काटा पीटी कर दो, ऑटोमेटिकली आंसर आ जाता है. दैट इज व्हाई, ठीक है ना? तो यू डोंट नीड, एट द एंड ऑफ द डे आपको क्या करना, आंसर निकालना है ना. तो वो बेटा पूरा का पूरा, जस्ट इमेजिन, आई एम डूइंग इट बाय द वे मोस्ट ऑफ द पीपल डू,
22 × 14 पहले करना पड़ेगा मुझे, 22 × 14, 14 × 2 = 28, ये 308 H आया, फिर मुझे यहाँ पे 7 कटा, 2 11 कटा, एंड तो ये हो जाएगा, और 2 10 कटा, तो इधर कितना आ जाएगा, 11 × 7 × 10 = 5 नहीं, एक 2 इधर कटा, एक 2 इधर कटा, तो सर 10 होगा ना वहां पे, अच्छा 10 होएगा, 10 होएगा, तो ये हो गया 770। अब वापस मुझे h इज इक्वल्स टू 770/308 जो कि 7 से कटेगा, ओके 7 4 = 28, 7 4 = 28, अब 11 से कटेगा, 11 10 11 4, फिर 2 से कटेगा, 2 5 2 2, भाई ना भाई, आई एम अ लेजी फेलो, आई कैन नॉट टेक सच अ लॉट ऑफ पेन, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हो गया, चाहे किसी भी तरीके से करो आंसर सेम आएगा। आई डिड इट फॉर दोज पीपल जो कि कितने बार कह जाते मेरे तरीके से तो सर करवा ही नहीं रहे, क्या फायदा होगा ऐसे करके, सो दैट इज व्हाई आई डिड इट फॉर द पीपल। ओके नाउ गाइस, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। अ वेल ऑफ डायमीटर 3 m इज डग 14 m डीप, फुल स्टॉप। द अर्थ टेकन आउट ऑफ इट has been spread evenly all around it in the shape of a circular ring of width 4 meters to form an embankment. Find the height of the embankment. Full stop. ओके सो यहाँ पे फुल स्टॉप आएगा, ऊपर के ऑफ में एक ऑफ, बट इट्स कूल यार, मतलब टेक्नोलॉजी कैन मेक यू लेजियर, लेजी पीपल लाइक मी विल बिकम लेजियर बिकॉज ऑफ टेक्नोलॉजी। अ वेल ऑफ डायमीटर, ओके अ वेल है तो बोला था मैंने, अच्छा ओ ये डगलस वाला डग हो गया, ठीक है ओके ना, ठीक है ओके गाइस ना। अब इस क्वेश्चन को भी ना बिल्कुल 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 आई वॉन्ट यू ऑल टू कॉन्सेंट्रेट क्रेजिली ऑन दिस क्वेश्चन। फर्स्ट आई डू द साइड व्यू, ओके देन आई टेक यू ऑल टू द टॉप व्यू, ओनली देन आई मेक द 3-dimensional फिगर। ओके सबसे पहले मेरे पास क्या है, आई हैव द लैंड, ओके सो माई लैंड इज लाइक दिस। अब मैं इंटीरियर ऑफ द लैंड, उसी क्वेश्चन की तरीके से मैं लैंड के नीचे वाला हिस्सा ले रहा हूँ, ओके इंक टू शेप नहीं हुआ, अब हो जाएगा, चलो। अब बेटा मैंने क्या किया, यहाँ पे थ्री मीटर्स इज डग 14 meters डीप, ठीक तो है बेटा, अभी डायग्राम बनाया ही नहीं है मैंने बेटा, बनाने तो दीजिए, ठीक है। अब मैंने यहां से माय डियर फेलोज यहां से मिट्टी निकाला, यहां से क्या किया, मिट्टी निकाला, ये मिट्टी मैंने यहाँ पे इसके चारों तरफ डाल दिया बाहर पे, ये मिट्टी मैंने इसके चारों तरफ डाल दिया, ठीक है। लेकिन क्या होगा, ये वाला पार्ट गैप आ जाएगा, ठीक है, दिस पार्ट विल बी अ गैप, आई टेल यू अभी, दिस इज माई साइड व्यू। अब सिलेंडर का फेस अगर मैं नीचे से देखूं तो सिलेंडर किस शेप का दिखता है नीचे से, सर्कुलर, ठीक है। तो ये मेरा वेल का सर्कल है,
ये बच्चा मेरा वेल का सर्कल है, ठीक है, और ये वाला एम्बैंकमेंट का सर्कल है, ये वाला एम्बैंकमेंट का सर्कल है, ठीक है। तो इस वेल के चारों तरफ हमने क्या बना दिया, हमने एक एम्बैंकमेंट बना दिया। सो दिस माय डियर फेलोज इज द एम्बैंकमेंट, जो मिट्टी जमीन से निकला वो मिट्टी यहां पे डाल दिया। अब इसमें इसमें मुझे विथ दिया है, इसका विथ दिया है कितना मीटर्स, 4 मीटर, ठीक है। और बेटा हमारा जो वेल का डायमीटर है वो 3 मीटर्स का है, तो ये रेडियस कितना हो जाएगा, व्हाट विल दिस रेडियस, 1.5 मीटर। सो जो बाहर वाला सिलेंडर है, वेल का सिलेंडर जो है, वेल का रेडियस हो गया 1.5, वेल का रेडियस हो गया 1.5 मीटर, एम्बैंकमेंट का रेडियस क्या हो गया, एम कितना, 5.5, ठीक है। अब बेटा इस 2D डायमेंशन में देखा जाए, वेल का हाइट बोला है बेटा, वेल का हाइट बोला है 14 मीटर, और यहां पे ये जो एम्बैंकमेंट का हाइट है वो है आपका ढूंढना है, ठीक है। अब देखना बेटा, आई एम मेकिंग अ विच डायमेंशन, आई एम गिविंग यू अ क्रॉस सेक्शनल व्यू, ठीक है। मैं क्या बना रहा हूं, क्रॉस सेक्शन बना रहा हूं इसका, ये मेरा वेल का क्रॉस सेक्शन है, ये मेरा वेल का क्रॉस सेक्शन है, ठीक है। हाँ जी बेटा, हाँ जी, नहीं समझ में आया, एक बार फिर से बोलें, क्या चीज बोल रहे हो बेटा, तो स्क्रीन के लिए क्या करना होता है गाइस, या पिन करके कर लो या रीजॉइन कर लो। ये देखो बेटा, ये एम्बैंकमेंट ऐसे बना है। अब आपको फिगर आया समझ में कि ये हमारा वेल का है, ये वेल का 1.5 मीटर्स है, ये हमारा एम्बैंकमेंट का विथ है 4 मीटर्स है, हमें ये वाला हाइट ढूंढना है, और ये हमें दिया है 14 मीटर्स का हाइट। सो बाहर, हाँ जी बेटा बोलो, हाँ बोलो, येल्लो, बेटा ये एम्बैंकमेंट बनाया है ना, एम्बैंकमेंट चाहिए ना मुझे, ये रहा मेरा एम्बैंकमेंट जो जमीन के ऊपर बना, ये रहा मेरा एम्बैंकमेंट, उसी को मैंने ऐसे बना दिया, ओके। अब गाइस व्हाट, हाँ जी बेटा मैं समझा रहा हूं, एक अभी अभी फिर से समझा रहा हूं, ठीक है। अब ये गाइस इज अ हॉलो सिलेंडर, ये क्या है, हॉलो सिलेंडर है, ठीक है। अब मैं आप लोगों को, आप लोगों के लिए, क्योंकि ये दिस इज द ओनली वन यू नो जिसमें हमारा थोड़ा सा दिमाग लगेगा अच्छे से, बाकी कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें दिमाग लगे। सो लेट्स इंसर्ट अ 3D मॉडल, आई होप देयर इज अ हॉलो सिलेंडर, ओके। सो अ हॉलो सिलेंडर, हॉलो सिलेंडर नहीं है भाई, सिर्फ सिलेंडर है, अच्छा है हॉलो सिलेंडर, हाँ हाँ आ गया बेटा आ गया, ठीक है। ये हॉलो सिलेंडर आ गया, ठीक है, इसका थोड़ा सा साइज छोटा किया जाए, और साथ में अब मुझे एक सॉलिड सिलेंडर भी चाहिए। सो लेट्स इंसर्ट अ सॉलिड सिलेंडर, okay, so we have a cylinder, let's take a red colored cylinder, okay, insert,
दिख जाएगा, रेड में दिख जाएगा, ठीक है। ओके गाइस, अब ये बेटा ये हमारा वेल है, ये हमारा क्या है वेल, ठीक है हर्ष बेटा ठीक से समझना, ये हमारा वेल है, ठीक है ये वेल है। अब इस वेल के ऊपर, इस वेल के ऊपर जो मिट्टी निकला, ठीक है जो मिट्टी निकला इस वेल के ऊपर डाल दिया गया, इस वेल के ऊपर क्या कर दिया गया, डाल दिया गया ये मिट्टी, ठीक है। तो ऐसे नहीं, मुझे इसके नीचे चाहिए, ठीक है ये देख रहे हो, अगर ये ऐसे जाएगा तो क्या हो जाएगा, रुको इस वाले फिगर को आई टेक इट इनटू द बैक, ओके बैक पेन में जाए, बैक पेन ब्रिंग सेंड बैकवर्ड, ओके ठीक है। अब ये देखना बेटा, ये जो है ये क्या हो जाएगा आपका, ये वाला इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, इसके ऊपर ऐसे आ जाएगा, लेकिन इसके रेडियस से ज्यादा होगा, इसके रेडियस से क्या होगा ज्यादा होगा, इसके रेडियस से ज्यादा। तो ये एम्बैंकमेंट ऐसे बन रहा है इसके ऊपर, ठीक है ये एम्बैंकमेंट ऐसे बन रहा है इसके ऊपर। सो गाइज अब पिक्चर क्लियर है कि ये मेरा वेल है, ये मेरा वेल है, ठीक है वेयर इज माई वेल, सो लेट्स हैव दी वेल, एग्जैक्टली एम्बैंकमेंट है ये मेरा वेल का, ये मेरा वेल का हाइट है जो कि मुझे दिया है 14 meters, कितना दिया है, ठीक है। उसके बाद से वेल का जो रेडियस दिया है, वेल का जो रेडियस है वो 1.5 मीटर है, लेकिन ये जो विथ है, ये विथ इज हमारा कितना मीटर्स, 4 meters। तो ये यहां से यहां 1.5 है और ये 4 है, तो टोटल कितना हो जाएगा बाहर के सर्कल का रेडियस, सो मेरा कैपिटल आर इज 5.5 meters, मेरा स्मॉल आर इज 1.5 meters, माय हाइट ऑफ द सिलेंडर इज 14 meters, मुझे ये वाला हाइट ढूंढना है, आई हैव टू फाइंड दिस हाइट, ठीक है। तो इसका मतलब ये हो जाएगा जो वॉल्यूम ऑफ मिट्टी इन द वेल है दैट इज इक्वल्स टू द वॉल्यूम ऑफ द मिट्टी इन द एम्बैंकमेंट, बट द वॉल्यूम ऑफ द वेल इज अ सिलेंडर, द वॉल्यूम ऑफ द वेल इज अ सिलेंडर एंड माय एम्बैंकमेंट इज अ हॉलो सिलेंडर, ठीक है। अब आपको क्लास 9th में स्पीड में जाना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा पाई आर स्क्वायर एच और ये हो जाएगा हॉलो सिलेंडर पाई आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर एच। अब मेरा पाई और पाई कट गया, पाई और पाई कट गया, ये मुझे ये वाला एच ढूंढना है, सो लेट्स गो स्टार्ट। सो 1.5 टाइम्स कितना है 14 इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 1.5 5.5। हाँ जी बेटा, यस बोलो बोलो बोलो, हाँ कर दिया 1.5, दो बार लिख दिया ना, राइट हैंड साइड पे आई यूज्ड बेटा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दिस इज द आंसर चेक, नेगेटिव में रेडियस कैसे हो सकता है, हाँ बच्चा एक चीज बताओ, ये मेरा शेर है पंजाब, पता नहीं यहाँ पे मल्टीप्लाई में है, यहाँ पे ये माइनस में है, अगर मैं इसको ब्रैकेट को ओपन करूंगा तो ये मेरा आर स्क्वायर एच माइनस आर स्क्वायर एच होगा, क्या मैं ये आर स्क्वायर अब कैंसिल कर सकता हूँ,
नहीं काट सकते, ठीक है, जब तक मल्टीप्लिकेशन में ना हो नहीं कट सकता। हाँ जी बेटा बोलो। बेटा वो तो याद करना पड़ेगा, बड़ा सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, यहां तक बाहर का सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई कैपिटल आर स्क्वायर कैपिटल एच। अब यहां से लेके यहां तक के सिलेंडर का फॉर्मूला क्या है, पाई छोटा आर स्क्वायर एच। दोनों को क्या करोगे, माइनस करोगे, तब ये वैल्यू आएगा। ओके सो दिस इज हाउ वी गेट द हॉलो सिलेंडर। यस मैम। मैंने जो कैलकुलेशन किया ये देखो बेटा, मैंने आर स्क्वायर लगाया, आर स्क्वायर तो 1.5 ही आएगा बेटा, 1.5 इंटू 1.5 एच 14 है। अब बेटा मैंने आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर को क्या कर दिया, आर प्लस आर, आर माइनस आर इंटू एच। आर प्लस आर कितना हो जाएगा, एक है 1.5 एक है 5.7, और आर माइनस आर क्या हो जाएगा 1.5 नहीं होगा, 5.5 माइनस 1.5 नहीं होगा, फोर होएगा बेटा, फोर। तो यानी कि मैंने एक गड़बड़ किया है, माय कैलकुलेशन इज रॉन्ग गाइस, आई एम सॉरी। नहीं नहीं मेरा कैलकुलेशन गलत है बेटा, 7 2 14 कटा, 2 1 2 2 2 4 कटा, तो हाइट इज इक्वल्स टू 2.25 डिवाइडेड बाय 2, दैट इज इक्वल्स टू 1.125 मीटर। अब आया होगा करेक्ट आंसर, आर एच एस इधर वाला। बेटा कैस किस तरीके से, मैं अपने तरीके से करूं या इस तरीके से करूं, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर वाले तरीके से, फिर से देखना। आर एच एस में बेटा क्या है, आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर इंटू एच है, ठीक है, ये हो जाएगा आर प्लस आर इंटू आर माइनस आर इंटू एच हो जाएगा, ठीक है। अब बड़ा रेडियस कितना है, 5.5, छोटा रेडियस 1.5, बड़ा रेडियस 5.5, छोटा रेडियस 1.5, ठीक है, इंटू एच। तो ये हो गया 7 मल्टीप्लाइड बाई 4 मल्टीप्लाइड बाई एच, ठीक है, आ गया। नाउ एवरीवन इज क्लियर विद दिस क्वेश्चन, क्योंकि हाँ जी बेटा Somebody will, हाँ बोलो बोलो, हाँ बेटा वो विथ है, 5.5 पता है क्या है, विथ है। ये देखना, फिर से देखना, आपका छोटा सर्कल ये रहा, ठीक है बेटा, छोटा सर्कल का 1.5 दिया है, छोटा सर्कल का 1.5 दिया है, बड़ा सर्कल का ना बेटा, बड़ा सर्कल का बोला है विथ, बड़ा सर्कल ये सर्कल नहीं है, कहीं से सर्कल नहीं है, ठीक है, बड़ा सर्कल का बोला है विथ, ये फिर से नहीं है यार, ठीक है, ओके, ये हो जाएगा 4। तो बेटा अब यहां से यहां तक कितना होगा बताना, तो ये रेडियस है बड़े सर्कल का, ठीक है। ओके गाइज, अगेन आई रिपीट, दिस वॉज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हैज कम मेनी टाइम्स इन द बोर्ड्स। ओके सो विथ योर परमिशन आई वुड लाइक टू मूव टू अ न्यू क्वेश्चन, विच इज अ वेरी 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 इजी क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 5, अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर्स एंड हाइट 15 सेंटीमीटर्स
इज फुल ऑफ आइसक्रीम, फुल स्टॉप. द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन टू कोन्स ऑफ हाइट 12 सेंटीमीटर्स एंड डायमीटर 6 सेंटीमीटर्स कॉमा हैविंग अ हेमिस्फेरिकल शेप ऑन द टॉप, फुल स्टॉप. फाइंड द नंबर ऑफ सच कोन्स विच कैन बी फिल्ड विथ आइसक्रीम, फुल स्टॉप. कहां पे बेटा? सेकेंड लाइन पे सेंटीमीटर्स. द आइसक्रीम इज टू बी फिल्ड इन कोन. ठीक है, ओके. अब क्लियर है क्वेश्चन? सबने रीड कर लिया बेटा? अब मुझे ये बताएं कि जो हमारा आइसक्रीम है, आइसक्रीम खाने सब जाते हो, आइसक्रीम कहाँ पे रखा? हाँ जी बेटा, कहाँ पे? हेमिस्फेरिकल शेप. अ कंटेनर शेप्ड लाइक अ राइट सर्कुलर सिलेंडर हैविंग डायमीटर 12 सेंटीमीटर्स. हो गया? आ गया था. बस वही मिस्टेक है. ओके. अब जब भी आप आइसक्रीम खाने जाते हो तो आपको आइसक्रीम टब से, अगर आपको कोन में खाने का मन करता है तो वो कोन में देते हैं और ऊपर से ऐसे एक हेमिस्फीयर बना देते हैं. ठीक है. अब इस टब का कौन बताएगा रेडियस कितना है? जूली, कितना है बेटा टब का रेडियस? यस, 6 सेंटीमीटर. सांभवी, व्हाट इज द हाइट ऑफ द टब? हाइट ऑफ द टब बेटा 15 सेंटीमीटर. ओके, देन वी गो टू रोहित. रोहित, व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन? व्हाट इज द हाइट ऑफ द कोन? यस, 12 सेंटीमीटर. ओके, देन वी गो टू भूमि. व्हाट इज द रेडियस ऑफ दिस कोन एंड हेमिस्फीयर? स्वयं, चेक करते. यस बेटा, 3 सेंटीमीटर. वेरी गुड. ओके, अब गाइज यहां से हम आइसक्रीम डाल रहे हैं. वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर से हम आइसक्रीम डाल रहे हैं वॉल्यूम ऑफ कोन प्लस वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर पे. लेकिन क्या आइसक्रीम टब सिर्फ एक आइसक्रीम कोन को फिल करेगा? N. So it will fill N number. ठीक है, let's go ahead with भविष्य. भूमिका, volume of cylinder बेटा. भविष्य, volume of cylinder. आर्यमान, पाई आर स्क्वायर एच, माई डियर बच्चा. ठीक है, ओके, नो वरीज बेटा, नो वरीज. वॉल्यूम ऑफ कोन बेटा, आर्यमान, वॉल्यूम ऑफ कोन. तारा, हाँ जी, बताएं. ओके, उसके बाद से लेट्स गो टू किसके पास थे? मयंक बेटा, वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर? वेरी गुड, 2/3 पाई आर क्यूब. इस साइड में से क्या कॉमन आ सकता है? कौन बताएगा? कनक, 1/3 पाई आर स्क्वायर. अब 1/3 पाई आर स्क्वायर बाहर आ गया तो एच बचा प्लस 2 आर बचा. एच बचा और क्या बचा? 2 आर बचा. ठीक है, अब गाइस अब काटा पीटी करते हैं और जल्दी से आप लोग भी शुरू कर दीजिए, मैंने भी शुरू कर दिया है.
and let's see what we get the answer as. So 6 times 6 times h is 15, n times niche pe 3, r is 3 times 3, h is 12 plus 2 times 3 is 6. 1 3 cancels, 1 3 cancels. This 3 cancels. Kitna aaya beta? 6 into 2 is equals to n. 6 plus 3 is 18. Acha, yahan pe 15 maine likha nahi. Okay. So 6 threes are 18 and 3 fives are 15. Yes. So we are going to fill 10 cones with it. ठीक है, we are going to fill 10 cones with it. ठीक है, एक और कर लें, भूख अगर नहीं लगा हो तो. ठीक है, okay. So question number 6. Question number 6. I hope no one is a 6. Okay. How many silver coins, comma, 1.75 centimeters in diameter and of thickness 2 millimeters, comma, must be melted to form a cuboid of dimensions 5.5 cm into 10 cm into 3.5 cm question mark. Okay, change nahi kar raha, into ka matlab aap samajh hi gaye hoge, multiply hai. Theek hai, ab beta coin aap logo ne dekha hai, coin ka shape kaun batayega? What is the shape of a coin? Vikramaditya. सिलेंडर. एक कॉइन ऐसे छोटा सा, एक कॉइन सिलेंडर के फॉर्म में होता है और उसके बाद से इन्होंने कहा है कि हमें इसे क्या बनाना है, हमें इसे क्यूबॉइड के शेप में लाना है. ठीक है, सो व्हाट इज द रेडियस ऑफ द कॉइन बेटा? विक्रम और बेताल, रेडियस कितना? वेरी गुड. ठीक है, एंड देन झा सत्यम फॉर यू, व्हाट इज द हाइट? हाँ, व्हाट इज द हाइट बेटा झा? ये जो थिकनेस है ना बेटा, थिकनेस इज द हाइट, थिकनेस इज द हाइट. सो 2 mm है लेकिन सब कुछ cm में है, तो 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, डिवाइड कर दिया, एग्जैक्टली 0.2. ओके, सो उसके बाद से अनीश बेटा, लेंथ ब्रेथ एंड हाइट ऑफ द क्यूबॉइड बेटा, व्हाट इज द लेंथ, व्हाट इज द ब्रेथ एंड व्हाट इज द हाइट ऑफ द क्यूबॉइड? लेंथ इज 5.5. ओके, नाउ लेट्स गो टू किसके, अनीश के पास से अनन्या. अनन्या का आवाज बहुत दिन हो गए सुने हुए. अनन्या क्या होगा, व्हाट इज द कॉन्सेप्ट आउट हियर? हाँ, इसमें कॉन्सेप्ट क्या होगा बेटा? नाइस टू हियर योर वॉइस आफ्टर लॉन्ग टाइम. वॉल्यूम ऑफ, नहीं बेटा, नंबर ऑफ कॉइन्स ढूंढना है. सो शाबाश, इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड. ओके, देन वी गो टू फजल. फजल बेटा, व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ अ सिलेंडर? युवराज, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर बेटा? परफेक्ट. मिस्टर जलान, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड? ओके गाइस, लेट्स गो अहेड. ओके, लेट्स सी सम स्पीड, लेट्स सी नंबर कितना. अरे शाबाश, ये कौन है इतना जल्दी? फोर हंड्रेड. आर कितना है? 1.70. देखते हैं 1.75 अपॉन 2 इंटू एच कितना है? 1/5 इज इक्वल्स टू लेंथ कितना? 5.5 इंटू 10 इंटू 3.5. ओके, काटा पीटी शुरू. ओके, 5 से ये कटा, 5 थ्रीज आर 15, 5 फाइव आर 35. मैं डेसिमल, हाँ
मैं डेसिमल्स भी हटा रहा हूँ बिकॉज आई डू नॉट लाइक वर्किंग विथ अ डेसिमल, ठीक है? तो इधर वाला कटा, ये 10 कटा 10 के साथ, ओके? अब ये 55 है, 5 11 11 5 55 11 2 22, ये 35 इस 35 के साथ कटा, 5 1 5 2 कटा, तो मेरा n बचा है, n इज इक्वल्स टू ऊपर चला गया 7 × 200 × 200 डिवाइडेड बाय कितना है, 7 200 200 चला गया, नीचे 2 है एंड 1.75 का तो जीरो जा ही चुका था, डेसिमल जा चुका था, सो कैंसिल, 7 2 14 7 5 35 200 25 4 400 coins are required. How many people got it? So I am coming on my screen. High five for getting it. Okay. So let's call it a day. Good night. Sayonara. Have a great day. Have fun. Thank you, sir. Bye, sir. Bye. Yes, beta.